23, 13, 8, 4, -9. Answer is 39. Next, 34, 22, 8, 8, -9. 63. Very nice. 57, -21, 8, 3, -4. 43. 35, -3, 13, -12. 33. 26, -2, 13, -3. 34. 22, 35, -15, -18. 24. 31, -19, 18, -18. 12. Good. 35, -1, 13, -4. 43. 46, -2, 11, -33. 22. 55, -1, -22, 12. 44. Good. 48, -12, 8, 1, 4. 49. 78, -52, +8, +7, +4. Answer is 45. Very good. 33, 42, 9, -5, -8. 71. Good. 43, 22, 9, -3, 9. 80. 23, -19, 28, -18. 14. 22, -18, 32, -19. 17. Good. 52, 35, 59, -18. 128. Good. 12, 23, -7, -4, 6. 30. अस्सलामुअलैकुम, कश्मीर एसेंस देख रहे हैं आप, तरन्नुम हूँ मैं और आज के इस बारे में बात करेंगे बच्चों को लेकर और उन बच्चों को लेकर जिनकी ज़हनियत को देखते हुए मैं तो खुद हैरान हूँ। कई एक मरतबा आप सोशल मीडिया पर उन बच्चों को देखते हैं जिनकी ज़हनी क्रिएटिविटी इतनी आलातर होती है कि हमारी खुद की अकल दंग होकर रह जाती है। और आज हम उसी वादी के वाहिद ऐसे इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं जो बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट पे अपने 110% एफर्ट्स लगाते हैं, लेकिन इनमें ऐसा क्या यूनिक है, क्या खास है जो कि हमें बाकी वादी के किसी भी इंस्टीट्यूशन में देखने को नहीं मिलता है। मौजूद है इस वक्त हम अलोहा के छानपुरा सेंटर में, जहाँ पर अगर बात की जाए उन मासूम बच्चों की जिनके पास क्रिएटिविटी इतनी जबरदस्त की है कि आप इनको कोई भी क्वेश्चन बता दो, कोई भी क्वेश्चन, मैथमेटिकल क्वेश्चन, ये विद इन नो सेकंड जो है उसको सॉल्व कर देते हैं, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all. I Iqra Pareen from Ladakh have joined Aloha Learning Center Chanapura. As schooling was not enough for improving my basics in maths, it's where Aloha's experience and friendly trained teacher helped me a lot to build up my skills in maths. Though it's been only 3 weeks since I joined this institution, today I have gained huge confidence and I am looking forward to gain more tricks and skills. Thank you. बच्चों के ज़हनी नशोनुमा को उसको बहुत सेहतमंद बनाने की आती है। कश्मीर में बहुत सारे हमें बेसिक लेवल से ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बहुत बड़े बड़े अदारे देखने को मिलते हैं जो बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, लेकिन अलोहा का इतना यूनिक सिस्टम क्यों है, उनसे जानेंगे कि अलोहा का ऐसा क्या यूनिक सिस्टम रहता है जिससे बच्चे को इब्तदाई दौर से ही उसकी नशोनुमा सबसे यूनिक और रेयर बनाने की यहाँ के स्टाफ की कोशिश रहती है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम सलाम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आज आपका यहाँ पर इंट्रैक्शन प्रोग्राम था तो हमने सोचा आपके साथ भी थोड़ा इंट्रैक्ट करें और अपने नाजरीन तक भी पहुँचाए कि अलोहा में जो यूनिक और रेयर जो बिल्कुल हमें यहाँ पर आके देखने को भी मिला कि एक अलग तरीके का माहौल। खाली संडे आपको 2 घंटे यहाँ पर अपने बच्चे के देने होते हैं और उसके फ्यूचर में ये 2 घंटे किस तरीके से उसको मददगार साबित होते हैं, आपसे जानना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपके पेज का कि आप यहाँ पे आए और इस पूरे इवेंट को कवर किया, और आप लोगों के इस इश्तराक से हमें अपने प्रोग्राम्स की तशहीर में बहुत मदद मिलती है। जैसे आप कह रहे थे यूनिकनेस, अब मैं अपने प्रोग्राम की यूनिकनेस क्या ही बताऊं, लेकिन ये है कि ये पहला एक आफ्टर स्कूल प्रोग्राम जो है कश्मीर में तकरीबन 17-18 साल से चल रहा है। आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नया है, अभी भी लोग शायद उतने मुतवज्जा नहीं हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये रही है इन 17-18 सालों में कि हम अपने वालिदैन जो हमारे हैं उन तक ये बात पहुँचाएँ, एक बात ज़हनशीन हो जाए कि बच्चों के तालीमी तकाजे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन, बहुत ज़्यादा बहुत कंपटीशन भी बढ़ रहा है। आप सब जानते हैं हम किस दौर से गुज़र रहे हैं, तो इसमें स्कूल्स का अपना काम है, घर का अपना काम है, क्योंकि ये दो इन स्कूल्स एंड फैमिली ये दो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे बच्चे की नशोनुमा भी होती है, पर्दाख्त और परवरिश भी होती है। लेकिन अलोहा जेन के जो है
ये एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है जो तकरीबन 40-45 कंट्रीज़ में है, और जो तालीम के माहिरीन हैं उन्होंने तहकीक करके, रिसर्च करके एक ऐसा मॉडल डेवलप किया है जहाँ पे बच्चे को 2 घंटे की क्लास होती है एक हफ्ते में, और वो 2 घंटे उसके लिए लर्निंग के भी होते हैं और रिक्रिएशन के भी होते हैं, क्योंकि आज के दौर में हम ये महसूस कर रहे हैं कि बच्चे बहुत बर्डनड हैं, तो वी हैव टू डिस्ट्रेस देम, वी हैव टू अनबर्डन देम, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू इनकल्केट वैल्यूज़ इन देम, स्किल्स इन देम। तो ये सारा जो ये सारी मुहिम है वो यही है कि हमारे बच्चे कल को खुद कफील बने, सेल्फ रिलायंट बने, इनोवेटर्स बने, खाली वो खुद को किताबों तक महदूद ना रखें, किताबों से बाहर जो एक दुनिया है क्रिएटिविटी की, इनोवेशन की, वो सब चीज़ें फॉस्टर करना इन बच्चों में बहुत ही इब्तदाई उम्र से, यही हमारे इस इदारे की, यही हमारी इस मुहिम की एक वो मंशूर भी है, मकसद भी है। हमारे पूरे 56 सेंटर्स हैं अक्रॉस कश्मीर, जिसमें बहुत दूर अफ्तादा इलाकों में भी सेंटर्स हैं, शहरों में भी हैं, गाँव में, कस्बे में। ये जो आज इंटरेक्शन प्रोग्राम है इसका इनेकाद बिलखसूस अलोहा लर्निंग सेंटर छानपुरा ने किया, जो कि हमारा एक मुतहरिक इंस्टीट्यूशन है, और यहाँ पे भी बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं, और ये भी अपने तरीके से बच्चों में अलोहा के फवाइद मुंतकिल करने की कोशिश की। आई वुड लाइक टू एड ऑन अ क्वेश्चन कि हफ्ता होता है, हफ्तावार होता है, सभी मतलब कोई भी हो घर पे रहना पसंद करता है, इवन दो यू हैव रिटन अ 5 to 15 ऑन योर बोर्ड, आई वाज जस्ट रीडिंग की 5 से 15 साल, और 5 की 15 तक की जो एज होती है उसमें बच्चे को घर से लाना बहुत मुश्किल, क्योंकि मैं मेरी एज की बात करूँ, हम स्कूल जाने के लिए कतराते थे, अब बात ही नहीं कि आप आफ्टर स्कूल कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लो, कोई लर्निंग सेंटर ज्वाइन करो। सो हाउ डू यू मोटिवेट चिल्ड्रन, हाउ डू यू मोटिवेट किड्स टू कम हेयर एंड ज्वाइन द, मतलब आफ्टर स्कूल आप एक लर्निंग प्रोसेस, एक लर्निंग स्कूल में जाओ, वहाँ पर किस तरीके से आप यहाँ पर वो माहौल क्रिएट करते हो कि बच्चा जो है अपनी विल से यहाँ आता है? लाइक आई सेड, the researchers who have developed this course, who have structured this course, has made it, they have made it easy for us. हमें उतनी हमें इतनी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं करनी पड़ती। बेसिकली जब वो हमारे मराकज़ आते हैं, आप अगर यहाँ पर हमारे बच्चों से अभी इंटरेक्ट करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि उनमें वो चाह होती है कि कब संडे आए तो वो क्लासेस ज्वाइन करें, क्योंकि ये सारा प्लेफुल एक्टिविटी मेथड से हम मुंतकिल करते हैं ये चीज़ें। यू शुड सो टिपिकल क्लास उसमें मुश्किल, तो ये वो नहीं है, ये सारा एक्टिविटी बेस्ड फन फील्ड, जैसे मैंने कहा ना कि हम बच्चों को एक नए हफ्ते के लिए जब वो संडे यहाँ आते हैं सीखेंगे क्या क्या नहीं सीखेंगे, उससे ज़्यादा हमारी तवज्जो इस बात पे होती है कि ये जो जहनी दबाव है ना इनमें, इसको हम थोड़ा सा कम करें। एक रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की जाती हैं अराउंड द क्लास, जहाँ पे बच्चे अपने टैलेंट्स का मुजाहरा भी करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस भी करते हैं, तो ये सब चीज़ें जब होती हैं और साथ साथ उन्हें फिर गिफ्ट्स भी मिलते हैं, अप्रिसिएशन भी मिलती है, तो ये सब चीज़ें उनको मोटिवेट करती हैं यहाँ आने के लिए। और जैसा कि मैंने कहा, इसका स्ट्रक्चर, इसका डिज़ाइन जो हमारे रिसर्चर्स ने इस तरह से किया है, और जो खुसूस जो ट्रेन टीचर्स आते हैं, जो अलोहा के ट्रेन टीचर्स होते हैं, वो उनकी मेथडोलॉजी, उनको कैसे ट्रेन करता है, उनको अलग से ट्रेनिंग होती है कि यहाँ के अलग सेंटर्स उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं? जो हमारे सेंटर्स होते हैं वहाँ पे हमारे यूनिट फ्रेंचाइजीज होते हैं, वो खुद देखते हैं कि हम मेरे इलाके में कौन से टीचर्स हैं, वो एड एक इश्तिहार देते हैं कि हमें कोर्स इंस्ट्रक्टर्स की ज़रूरत है, फिर जो लोग अप्लाई करते हैं उनका इंटरव्यू होता है, उनकी स्क्रीनिंग होती है, और जो स्क्रीनिंग को क्वालिफाई करके लोग आते हैं उनको फिर MF ऑफिस यानी मास्टर फ्रेंचाइजी ऑफिस की तरफ से उनको ट्रेन किया जाता है, यानी कि बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी रोजगार। बिल्कुल, ये एक एंटरप्रेन्योरल वेंचर भी है, जैसे हमारे बहुत सारे इस वक्त हमारे नौजवान देख रहे होंगे जो पढ़ लिख के अब इस तलाश में है कि आगे क्या करें, क्या करें, और उनका रुझान एजुकेशन में है। तो मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा आपके पेज के माध्यम से कि ये जो अलोहा सेंटर्स हैं ये एक एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स है, इसमें आप बच्चों को, सोसाइटी को फ़ायदा भी पहुँचा रहे हैं, साथ साथ अपने लिए हलाल रोज़गार का भी आप ये कर रहे हैं सामान, और साथ साथ 4-7 लोगों को और भी रोजगार फराहम कर रहे हैं। सो क्या कुछ, अगर कोई जो है कोई इसका कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, उसके लिए उसको क्या कुछ जो है उसको होना ज़रूरी है, कोई सेंटर होना ज़रूरी है, कोई क्वालिफिकेशन होनी ज़रूरी, क्या कुछ उसके देखिए उसमें इनहमाक और चाह होनी ज़रूरी है। अगर कोई पैशन ड्रिवन बाई पैशन है, कोई बहुत ही एनर्जेटिक है, काबिल है, चाहता है कि मैं नौकरी ना करूँ, अपने बलबूते पर कुछ करूँ, तो वो जो मास्टर
फ्रेंचाइजी से रابता कायम कर सकता है, उसके नंबर्स भी यहाँ पे हम देंगे, या हमारे अलोहा लर्निंग सेंटर छानपुरा से भी अगर वो रابता कायम करें वो फिर हमें वो रेफर करेंगे। तो इसका बाज़ाबता हम देखते हैं कि उस कैंडिडेट में जो अप्लाई कर रहा है उसमें किस तरह की चाह है, उसका विजन क्या है, मिशन क्या है, और एजुकेशन के हवाले से उनके ख्याल किस तरह के हैं, वो सारा एक प्रोसेस जब वो क्वालिफाई करते हैं तो उसको हम अपनी फ्रेंचाइजी देते हैं। और ऐसे इलाके में जहाँ पे अलोहा का सेंटर ना हो तो वहाँ पे हम प्रेफर करते हैं कि कोई और सेंटर खोलना चाहे तो वो खोल सके। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच। और जिस तरह इन्होंने बताया, बहुत अच्छी बात है कि किसी भी काम को करने के लिए चाह होनी बहुत ज़रूरी है। जिस इंसान में, जिस शख्स में इब्तदाई दौर से एक किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर उसमें पैशन डेवलप किया जाए, और मैं यूँ कहूँ कि जिस तरीके का पैशन अलोहा बच्चों में डाल रहा है, काबिल सराहना है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है पैशनेट बने एक फ्यूचर टारगेट के लिए, तो डेफिनेटली उन्हें एक बारी अलोहा सेंटर ज़रूर लाइए। जो आपके नज़दीकी इलाके होंगे, जो भी आपके नज़दीकी सेंटर्स होंगे, वहाँ पर उन्हें ज़रूर ले जाइए और एक बारी उन्हें अलोहा का माहौल ज़रूर दिखाइए। मुझे दे इजाज़त, बने रहे आप कश्मीर एसेंस के साथ।